शासन के आदेश अनुसार 5 तारीख को प्रदेश की सभी शराब की दुकानों को खोले जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन ठेकेदारों की कुछ मांगे थी जिसको लेकर ठेकेदारों ने 5 तारीख को शराब की दुकानों को बंद रखा। लेकिन ठेकेदारों की मांग को प्रशासन ने स्वीकार किया। इसके पश्चात ठेकेदारों ने प्रदेश में फैल रही कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी से ग्राहकों को बचाने की ओर ध्यान देते हुए सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर जिले की सभी शराब की दुकानों को खोला गया। शराब की दुकान खुलते ही शराब के शौकीनों में एक अच्छी खासी उमंग देखने को मिली। ग्राहकों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शराब खरीदी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। दुकानें हैं ठेके वाली, वो दुकानें खोली गई हैं आज और एक दो दिन लेट खुली है, क्या कारण रहा इसका? मध्य प्रशासन ने 5 तारीख से ही दुकानें सभी मदरा दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन कल ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर कल दुकानें बंद रखी थी, लेकिन आज लगभग 2 बजे से टीकमगढ़ जिले की समस्त दुकानें बिक्री हेतु चालू की गई हैं और उनकी लगभग हर दुकान पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए व्यवस्था बना रखी है ताकि पूरे साफ सफाई के साथ बिक्री हो सके। साथ में सैनिटाइजर वगैरह, ये सैनिटाइजर रखना और उनको ग्लव्स रखना सबको निर्देशित किया गया, जो आसाम मतलब हर दुकान में लगभग उपलब्ध रहेंगे। और कल अभी तक मध्य प्रशासन ने जो जारी किया था 7 बजे शाम 7 बजे तक बिक्री चालू करने के लिए, तो टीकमगढ़ जिले में भी यही आदेश पारित हो गया कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।